दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है, फॉर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन फ्रॉम वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब टू 20 डेसीमीटर क्यूब। दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन टू अस। हमसे पूछा है डेल्टा एच, डेल्टा एच क्या होगा, इंथाल्पी चेंज क्या होगा। हम जानते हैं फॉर्मूला, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। ये फॉर्मूला होता है कहाँ से आता है, एच इक्वल टू यू प्लस पीवी से ये फॉर्मूला आता है। जब हम डेल्टा एच रखते हैं तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। अब हमें फॉर्मूले में फाइंड आउट करना है ये, तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं डेल्टा यू इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। कैसे कैसे होगा, क्योंकि हमें दिया है आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल में जो इंटरनेटी चेंज होती है उस प्रोसेस में वो कितनी होती है, 0। जी क्यों, क्योंकि जो डेल्टा यू होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। डेल्टा यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, या कह सकते हैं इंटरनेट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर हो गया कॉन्स्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मीन डेल्टा यू चेंज, डेल्टा यू कितना हो गया, 0 हो गया। जब डेल्टा यू 0 हो गया, और हम ये भी जानते हैं जैसे हमें फॉर्मूले में पता होता है कि डेल्टा यू इक्वल टू सी वी डी टी, इसका भी मतलब यही होता है कि जो डी यू सॉरी डी यू इक्वल टू सी वी डी टी, इसका मतलब यही होता है कि इंटरनेट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इंटरनेट जी किसका फंक्शन हो गया, टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तो इसलिए डेल्टा यू कितना हो गया, 0। नेक्स्ट केस में बढ़ते हैं, अब हमें निकालना है डेल्टा पीवी। अब डेल्टा पीवी प्रेशर दिया नहीं है, वॉल्यूम चेंज है, तो लिख सकते हैं इसको पी डेल्टा पी। अब प्रेशर दिया नहीं है, वॉल्यूम चेंज का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनानी, तो इसको हम चेंज करेंगे। अब हमें इसके लिए कंडीशन क्या दी है कि ये आइडियल गैस है, तो रख दो इसकी जगह, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा पीवी की जगह हम रख सकते हैं डेल्टा एन आर टी, रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, बहुत सही। फिर इसकी जगह डेल्टा, अब एन जो है नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, 1, तो एन बाहर आ जाएगा, आर हो गया हमारा गैस कॉन्स्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर हो गया डेल्टा टी, पुट कर दो इसको सिंपल। अब डेल्टा टी फिर से आइसोथर्मल हो गया, 0 0 0 0, तो एन आर इंटू 0 कितना हो गया, 0। तो फाइनल जो आंसर आया डेल्टा एच इक्वल टू 0, क्वेश्चन खत्म, उड़ा डाला। चलिए